नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है 2014 से, जब से जो लिंचिंग की घटनाएं वो बहुत ज्यादा होने लगी हैं दोस्तों। और अब से फिर एक और बार मामला सामने आया, जब से 2019 में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। ये मामला झारखंड का दोस्तों, तबरेज अंसारी का युवक का नाम था, मुस्लिम युवक था, उसे इतना पीटा जाता है, उससे कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे बोल, फिर कहा जाता है जय हनुमान के नारे बोल, और उसे इतना पीटा जाता है, 7 से 8 घंटे बांधकर उसे पीटा जाता है, और उसकी दोस्तों मौत हो गई है दोस्तों, उसकी जान चली गई। ये दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्या करना चाहते हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं? एक हमारे जो हिंदुस्तान है वो सभी मिट्टी, जो इस मिट्टी में सभी धर्म का खून मिला हुआ है, सभी जो है धर्म को मानते हैं, सभी धर्म के लोग जो रहने वाले हैं इस देश में, पर पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, हमारे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पर दोस्तों झारखंड की जब से घटना हुई, तबरेज अंसारी को मारा गया है, जब से जो देश में प्रदर्शन हो रहा है झारखंड से लेके सभी जगह, सभी राज्यों में तबरेज अंसारी के प्रदर्शन हो रहे हैं, तबरेज अंसारी के लिए। और उनकी मांग जो है प्रदर्शनकारियों की, ये है कि तबरेज अंसारी को इंसाफ मिलना चाहिए, जिन जिन ने मारा है तबरेज अंसारी को उनको फांसी होनी चाहिए, और संसद पे इस पे सख्त के सख्त कानून बनना चाहिए, जब ही लिंचिंग की घटना रुकेंगी। इस पर सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा दोस्तों तो जब ये घटनाएं नहीं रुकेंगी दोस्तों। वहीं कल जंतर मंतर पर एकजुट हुई जनता, बहुत सारी पब्लिक थी, और वहां पर सभी पार्टी के नेता, जो विपक्ष की पार्टी के नेता वहां पर शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी भी थी, सभी पार्टी के नेता थे, और जो जनता थी वो भी एकजुट हुई, कैंडल मार्च निकाला, और उनकी मांग यही थी कि जो आरोपी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उन्हें, और इंसाफ मिलना चाहिए तबरेज अंसारी को, और संसद में इस पर लिंचिंग पे एक कानून बनना चाहिए जिससे लोग डरें और फिर लिंचिंग करने में भी डरें। तो जो सवाल ये उठता है लिंचिंग पे, जो लिंचिंग करते हैं लोग, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं माला पहनाते दिखते हैं, कहीं पर लड्डू खिलाते फिरते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लिंचिंग जो कर रहा है उनके साथ खड़ी है? तो ये साफ साफ दिखाई दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का लिंचिंग जो कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के खुद ही करा रही है लिंचिंग, क्या देश के माहौल को बिगाड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों हमें याद रखना है कि इस देश की मिट्टी में सभी धर्म के खून मिला हुआ, सिख भी, ईसाई भी, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सभी धर्मों का खून मिला हुआ, सभी की मेहनत लगी हुई है इसको आजाद कराने में देश में। हमें याद रखना है दोस्तों कि अपने देश का जो माहौल बिगाड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको हमें बिगाड़ना नहीं देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस तबरेज अंसारी को लिंचिंग करके जो मार दिया गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक कर दिया, क्योंकि मैं वहां पर अच्छी अच्छी वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज डालता रहता हूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।